गुड मॉर्निंग एवरी वन कंटिन्यूइंग विद लेक्चर नेक्स्ट जो हमारा आस्पेक्ट है दैट इज नेशनल आस्पेक्ट्स नेशनल आस्पेक्ट्स मतलब कि जो पूरे एज अ नेशन के लिए इंश्योरेंस कैसे हेल्प करता है क्यों इम्पॉर्टेंट है क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है सबसे पहला है कैपिटल फॉर्मेशन हमने ऊपर जो दूसरे ऑब्जेक्टिव्स किए हैं उसमें हमने एक बात की थी कि फोस्ड सेविंग आपकी होती है जब सेविंग्स हो रही है और उससे वो जो पैसा मिल रहा है सेविंग से उसे हम दे रहे हैं आगे कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए तो वो हेल्प करता है इन द कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री और इंश्योरेंस वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल है मोबिलाइज करने के लिए हाउस होल्ड की सेविंग्स को देन नेक्स्ट इज योर फॉरेन एक्सचेंज ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई 1991 में एम ने इंडियन इंश्योरेंस मार्केट में एंटर किया ज्वाइंट वेंचर्स के थ्रू इंडियन पार्टनर्स के साथ तो ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज एंटर हुआ इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2014-15 ने 15 में गवर्नमेंट ने अलाउ किया 100 परसेंट एफ इंश्योरेंस सेक्टर में तो इसके अलावा जो आप सेविंग करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की वो पैन वर्ल्ड प्रेजेंस जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज की है थ्रू एजेंसीज ब्रांचेस, सब्सिडीज और एसोसिएट कंपनीज पॉसिबल होती है जो कंपनीज हैं वो बिजनेस कर रही हैं फॉरेन कंट्रीज में भी तो वहां से भी वो फॉरेन एक्सचेंज ऑन कर रही हैं नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया आ, में अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाने के साथ साथ जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ हैं उनके थ्रू जो भी सेविंग्स हुई है डिफरेंट एरियाज तक पहुँचाता है तो जो इंश्योरेंस है वो कंट्रीब्यूट करता है इन द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंप्रूविंग द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और प्रमोट करके एक ज्यादा एफिशिएंट मिक्स ऑफ एक्टिविटीज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट तो इंश्योरेंस हेल्प करता है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री नेक्स्ट है हमारा नेशनल सेविंग किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है कि उसकी जो सिटीजन है उसकी जो सिटीजन्स है वो सेविंग्स कितनी कर रहे हैं कंपनी के लिए वो सेविंग्स को फिर इन्वेस्ट करके उसे कैपिटल uh, फॉर्मेशन में कितना कन्वर्ट हो रहा है वो तो जो एक ग्रोथ है कंट्री की वो डिपेंड करती है अपॉन द सेविंग्स ऑफ दैट कंट्री एक कंट्री जो ज्यादा सेव करेगी वो ज्यादा फास्टर ग्रो करेगी तो इंश्योरेंस एक चैनल है जो मोबालाइज करता है डोमेस्टिक सेविंग्स को इनटू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट इज मनी मार्केट डिवेलपमेंट जो मनी मार्केट है उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीलर्स आ जाते हैं जो मनी और क्रेडिट में डील करते हैं चाहे वो बोरो करे चाहे लैंड करें तो इंश्योरेंट इंश्योरेंस अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्क करता है जो भी सरप्लस उस, मनी उसके पास है उसे लेंड करता है मनी मार्केट में तो मनी मार्केट की डेवलपमेंट में भी जो इंश्योरेंस है वो हेल्प करता है ये था हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स नीड्स एंड इंपॉर्टेंस का इंश्योरेंस की नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जिसे हम जर्नल इंश्योरेंस कहते हैं देन जर्नल इंश्योरेंस को फर्दर हम वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मोटर इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस मेराइन इंश्योरेंस इंजीनियरिंग इंश्योरेंस और इन चारों को छोड़ के बाकी जितने भी टाइप के इंश्योरेंस बचे वो मिसलेनियस इंश्योरेंस में आ जाते हैं जिसमें क्रेडिट इंश्योरेंस फिडिलिटी इंश्योरेंस

पोर्सन जो अमाउंट है वो रिपे किया जाएगा इंश्योर्ड को अंडर द कॉन्ट्रैक्ट किस केस में या तो मेचोरिटी डेट में या फिर एक डेट्स पर एट इंटरवल्स या ऑन दी डेथ इफ इट अकर्स अर्लियर वही चीज है यहाँ पे वो दोबारा रिपीट कर रहा है जो हमने पहले की थी कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है आपके इंडोमेंट पॉलिसीज हो सकती हैं आपकी एनवी पॉलिसीज हो सकती हैं आपकी मेचोरिटी पॉलिसीज हो सकती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसने उसको डिवाइड किया है तो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो यूजफुल है इंडिविजुअल्स के लिए बिजनेस के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है होल लाइफ पॉलिसी जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि जो इंश्योर्ड है उसे प्रीमियम थ्रू आउट दी लाइफ टाइम पे करना पड़ेगा और जो सम एश्योर्ड है वो मिलेगा ओनली ऑन दी डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन और वो मिलेगा उसके नॉमिनी को मतलब होल लाइफ पॉलिसी में जो अमाउंट है वो पर्सन को कभी नहीं मिलेगा जो इंश्योर्ड हो रहा है वो हमेशा उसके नॉमिनी को मिलेगा नेक्स्ट इज इंडोमेंट पॉलिसी जो इंडोमेंट पीरियड है उसका मतलब है स्पेसिफिक पीरियड जिसके लिए आप पॉलिसी ले रहे हो तो जो जो भी सम एश्योर्ड है या तो आइदर ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी या फिर ऑन द डेथ विच एवर इज अर्लियर पर आपको मिलेगा इंडोमेंट पॉलिसी में जो इंश्योर्ड है उसको पैसा मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ मेच्योरिटी भी अगर पहले हो जाती है डेथ से तो जो पूरा अमाउंट है वो इंश्योर्ड को मिलेगा तो ये थी इंडोमेंट पॉलिसी नेक्स्ट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है ये पॉलिसी दो पर्सनस या दो से ज्यादा पर्सन के लिए ली जाती है अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो जो भी सम एश्योर्ड है वो दूसरे सर्वाइवर को पे किया जाता है और अगर सारे ज्वाइंट होल्डर्स जो है वो सर्वाइव करते हैं तो जो भी सम एश्योर्ड है डेट ऑफ मेचोरिटी पर उन्हें पे कर दिया जाता है देन नेक्स्ट है एनविटी पॉलिसी इंश्योरेंस में एनविटी का मतलब है एक प्री डिटरमिन्ट पीरियडिक पे आउट जो इंश्योर्ड को दिया जाएगा अंटिल द डेथ ऑफ दैट पर्सन मतलब एक आपने इंश्योरेंस ले लिया आपको थोड़े-थोड़े टाइम -थोड़े इंटरवल के बाद थोड़ा-थोड़ा पैसा मिलता रहेगा जो पीरियडिक पेमेंट है वो मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली या इयरली बेसिस पर हो सकती है इस टाइप की पॉलिसी में जो लमसम अमाउंट है वो पे नहीं किया जाता तो जो एनविटी प्लान्स हैं वो ऑफर कर सकते हैं पीयोडिक पेमेंट एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इयर्स के लिए नेक्स्ट है हमारा सिंकिंग फंड पॉलिसीज ये follow... पॉलिसीज़ फर्म्स और कंपनीज लेती हैं फंड्स को जमा करने के लिए ताकि वो अपनी फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेस कर सके या किसी भी लाइबिलिटी को पे कर सकें नेक्स्ट इज़ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है वो एम्प्लॉयर लेता है अपने एम्प्लॉज के लिए या एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स के लिए एक ही पॉलिसी इशू होती है इन द नेम ऑफ द ग्रुप नेक्स्ट इज़ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो कंपनी है वो एक स्पेसिफिक लमसम अमाउंट पे करती है डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी को अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है कोई मेचोरिटी अमाउंट वो पे नहीं करती है तो जो प्रीमियम है इन पॉलिसीज़ पे वो कंपैरेटिवली दूसरे प्लान्स के अकॉर्डिंग कम होता है नेक्स्ट इज योर मनी बैक प्लान इस पॉलिसीज में जो प्रियॉडिक पेमेंट्स है पार्शियल सर्वाइवल बेनिफिट्स पे किए जाते हैं तो इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड जो फुल अमाउंट है सम एश्योर्ड का प्लस बोनस वो नॉमिनी को पे किया जाता है इसका मतलब कोई भी डिडक्शन नहीं की जाती है प्रियोडिक पेमेंट्स के लिए जो कर रहे हैं नेक्स्ट इज योर इंश्योरेंस जर्नल इंश्योरेंस इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस वो सारे आते हैं अंडर कैटेगरी ऑफ जर्नल इंश्योरेंस इसे हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं जर्नल इंश्योरेंस में फायर इंश्योरेंस बर्गलरी मोटर इंश्योरेंस मेराइन इंश्योरेंस इंजीनियरिंग इंश्योरेंस मिसलेनियस इंश्योरेंस एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं इसमें हेल्थ इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस कैटल इंश्योरेंस अंडर मिसलेनियस इंश्योरेंस आते हैं ये चीज हम ऑलरेडी टेबल में कर चुके हैं तो जो जर्नल इंश्योरेंस की हिस्ट्री है वो भी हम ऑलरेडी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं जो जर्नल इंश्योरेंस है वो नेशनलाइज हुआ था इंडिया में Uh, 1972 में जब पास हुआ था, उस टाइम पे 55 इंडियन और जो अंडरटेकिंग्स थी 52 टू इंश्योरेंस की वो काम कर रही थी जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर किया था जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आई नाइनटीन में तो जो मर्जर है इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज का वो किया गया और चार कंपनीज को एज अ सब्सिडी ऑफ जीआईसी लिफ्ट कर दिया गया तो 2002 में एक अमेंडमेंट किया गया एक्ट में जो फोर्स में आया इन मार्च 2003 तो एज पर अमेंडमेंट जीआईसी जो थी अब वो होल्डिंग कंपनी नहीं है सब्सिडीज की और अब जीआईसी एंड फोर अदर कंपनीज जो होली ओन्ड हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो एग्जिस्ट करती हैं तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट इज़ इसे नेशनलाइज किया गया 1872 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को 55 इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज जो थी उसको गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया 1972 में जर्नल इंश्योरेंस कॉपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया मोर्जर किया गया इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज का तो चार कंपनीज को सब्सिडीज बनाया गया जीआईसी की 2002 में अमेंड किया गया एक्ट को जो फोर्स में आया मार्च 2003 में और अमेंडमेंट में फिर जो जीआईसी थी वो अलग हो गई और जो उसकी चार होली सब्सिडी कंपनीज थी उन्हें होली ओन्ड कंपनीज बना दिया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट जो हमारे पास वेरियस टाइप्स की पॉलिसीज़ है और जर्नल इंश्योरेंस में या वेरियस टाइप्स के इंश्योरेंस है पहला है हमारे पास मोटर इंश्योरेंस मोटर इंश्योरेंस का मतलब कि मोटर में हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हैं पर्सनल या कमर्शियल व्हीकल का तो वो मोटर इंश्योरेंस में इंक्लूड होता है ये इंश्योरेंस क्या रिस्क कवर करता है रिस्क अगर आपका लॉस या डैमेज हुआ है मोटर व्हीकल को उसकी एसेसरीज को ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट और थेफ्ट डेथ या इंजरी हुई है ऑनर को ड्राइवर को या ड्राइवर और पैसेंजर को ड्यू टू एक्सीडेंट या डैमेजेस जो थर्ड पार्टी को आपने पे करने हैं ड्यू टू एक्सीडेंट तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अंडर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो थर्ड पार्टी पॉलिसी है अगर आप वो लेते हैं तो उस केस में सिर्फ जो डैमेजेस हैं जो पे करने हैं आपने थर्ड पार्टी को वही अवेलेबल है नेक्स्ट आता है हमारा फायर इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस का मतलब है अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं लॉस के लिए अगर कोई भी डिस्ट्रक्शन होती है डैमेज होता है प्रॉपर्टी को गुड्स को ड्यू टू फायर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक स्पेसिफाइड पीरियड इन केस ऑफ लॉस जो भी सम एश्योर्ड है या जो भी अमाउंट है एक्चुअल लॉस की दोनों में से जो भी लोअर होगा वो पे किया जाएगा यहाँ पर हमने पहले भी बात की कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑनर का दोनों टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी और एट द टाइम ऑफ लॉस भी तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इन केस ऑफ गुड्स वो मे uh, किस वजह से हो सकता है ऑनरशिप की वजह से हो सकता है की वजह से हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो सकता है तो जो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लॉसेस हैं वो अंडर फायर इंश्योरेंस कवर होते हैं वो कौन कौन से हैं अगर गुड्स स्पॉइल्ड हुई है प्रॉपर्टी डैमेज हुई है वाटर की वजह से जो आप यूज कर रहे हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए अः या फिर आप जहाँ फायर लगी है अगर फायर ब्रिगेड ने उसके साथ का कोई भी स्ट्रक्चर जो है उसको पुल डाउन किया है ताकि जो फ्लेम है जो फायर है वो वहां तक ना पहुंचे तो उसका भी आपको जो अमाउंट है पे किया जाएगा उसके लिए भी ब्रेकरेज ऑफ गुड्स हुआ है इन द प्रोसेस जब आप रिमूव कर रहे हैं बिल्डिंग से कुछ जो कुछ भी चीज कुछ भी प्रॉपर्टी कुछ भी गर्ड्स जहाँ पर फायर लगी है या वेजेस जो आप पे कर रहे हैं पर्सन को जो एम्प्लॉय किए हैं आपने फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए इन सारे लॉसेस को फायर इंश्योरेंस कवर करता है नेक्स्ट है हमारा मेराइन इंश्योरेंस मेराइन इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर जो इंश्योर है वो अंडरटेक करता है कि वो इनडेमिफाई करेगा इन शॉर्ट पर्सन को किस लॉसेस के अगेंस्ट जो लॉसेस रिलेट करते हैं मेराइन एक्टिविटीज से सी एक्टिविटीज से तो मेराइन जब हम बात कर रहे हैं तो हम ओशन uh, की बात कर रहे हैं वाटर की बात कर रहे हैं तो जब जब जो इंश्योर्ट प्रॉपर्टी है वो एक्सपोज है अगर पौल से पर्ल्स मतलब डेंजर मतलब जो समुद्र के खतरे हैं उनसे वो प्रॉपर्टी जो आप इंश्योर्ड करवा रहे हो वो एक्सपोज्ड है तो वो कवर होगी अंडर मेराइन इंश्योरेंस मैराटाइन पर्ल्स में क्या क्या आ जाता है जो भी एक्सीडेंट या कैशुअलिटी सी में हो रही है तो इसमें फायर पायरेट सीज़र्स, जेटिसन वॉर पर्ल्स ये सारे मेराइन के पर्ल्स हैं तो मेराइन इंश्योरेंस में चार टाइप के क्लॉजेस हो सकते हैं हल इंश्योरेंस हल इंश्योरेंस मतलब पूरी शिप का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं कार्गो का इंश्योरेंस कार्गो मतलब जो सामान उसमें रखा हुआ है फ्लाइट इंश्योरेंस मतलब उसके किराए का इंश्योरेंस एंड नेक्स्ट इज लाइबलिटी इंश्योरेंस तो इन केस ऑफ मेराइन इंश्योरेंस कौन कौन से पर्सन जो होते हैं उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है ऑनर ऑफ शिप का ऑनर ऑफ कार्गो का क्रेडिटर जिसने मनी एडवांस की है ऑन दी सिक्योरिटी ऑफ शिप या कार्गो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा लेकिन अप अमाउंट ऑफ लोन देन मास्टर एंड कोई भी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में तो ये है हमारा मेराइन इंश्योरेंस नेक्स्ट हमारा आता है इंजीनियरिंग इंश्योरेंस इंजीनियरिंग इंश्योरेंस एक नए टाइप का इंश्योरेंस है जो कॉम्प्रीहसिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाता है कंस्ट्रक्शन या इरक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए एज वेल एज जो कॉन्ट्रैक्टर का प्लांट या मशीनरी या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होता है उसके लिए नॉर्मली जो ये डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होते हैं उसके लिए आप इंजीनियरिंग इंश्योरेंस लेते हैं तो जो इंश्योरेंस है वो कवर करता है कमेंस कब होता है जिस डेट को अराइवल हुआ है फर्स्ट कंसाइनमेंट का एट द टाइम ऑफ इरेक्शन तो जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए आप इंजीनियरिंग इंश्योरेंस ले सकते हैं नेक्स्ट हमारा मिसलेनियस इंश्योरेंस इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच